हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है जलेबी बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं जलेबी। जलेबी बनाने के लिए हमने ये एक बाउल मैदा लिया है, ये एक बाउल से थोड़ा सा कम है, और ये 2 चम्मच हमने दही लिया है, ये फ्रूट कलर लिया है, और ये हमने एक बाउल चीनी ली है, और ये हमने इलायची पाउडर लिया है। सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। ये मैंने एक कढ़ाई ली है, गैस को ऑन कर दिया है, और सबसे पहले मैं चीनी डाल दूंगी इसमें, और इसमें एक बाउल ही मैं इसमें पानी डालूंगी ताकि चाशनी बनानी है मुझे। चाशनी को मैं पकने दूंगी, जब तक हमारी चाशनी पकती है तब तक हम मैदे का घोल तैयार कर लेते हैं। ये हमने एक बाउल लिया है, इसमें मैंने ये मैदा डाल दिया है। अब मैं इसमें ये 2 चम्मच दही डाल दूंगी और साथ ही मैं इसमें ये पानी डाल दूंगी और इसे मैं घोल तैयार कर लूंगी। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी डालूंगी। और इसे मैं अच्छे से फेंट लूंगी। मैं इसमें चुटकी भर इलायची पाउडर डालूंगी और इसे मैं अच्छे से फेंट लूंगी फिर से। और ये हमारा मैदा इस प्रकार का होना चाहिए, ये मैदा हमारा इस प्रकार से होना चाहिए, नहीं ये गाढ़ा रखना है मैदे को। अब मैं इसको एक साइड में रख दूंगी और ये हमारी चाशनी पकने लगी है। अब मैं इसमें भी थोड़ा सा चुटकी भर इलायची पाउडर डाल दूंगी। है तो इलायची पाउडर डालना अगर आपको पसंद है, मुझे इलायची पाउडर पसंद है इसलिए मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा फ्रूट कलर डालूंगी, मैंने यहाँ पे रेड कलर लिया है फ्रूट कलर, और मैं ये चाशनी को थोड़ा सा पकने दूंगी। चाशनी को जब तक हमारी चाशनी पकती है तब तक हम एक साइड में ऑयल गर्म होने के लिए रख लेते हैं। ये हमने एक कढ़ाई ली है और गैस को मैंने ऑन कर दिया है, और अब मैं इसमें ऑयल डाल लूंगी और ऑयल को मैं गर्म होने दूंगी। इधर हमारी ये चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है, हमारा ऑयल भी गर्म होने लगा है। जब तक ऑयल गर्म होता है तब तक हम एक बोतल ली है, मैं इस बोतल में डालकर ही जलेबी बनाऊंगी। अब मैं मैदा इसमें डाल देती हूँ, एक कड़छी की मदद से इसमें डालूंगी। ये मैं इसी प्रकार से बोतल को भर लूंगी। ये हमने सारा मैदा का घोल हमने बोतल के अंदर भर लिया है। अब मैं बोतल का ढक्कन बंद कर दूंगी। इधर हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है, अब हम जलेबी बनाने की तैयारी करेंगे। ये हमारा अब हम अपनी जलेबी बनाते हैं। इसी प्रकार से हम अपनी सारी जलेबी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब मैं इसकी साइड चेंज करूंगी, जो जलेबी सिक चुकी है उसकी साइड चेंज कर दूंगी इस प्रकार से। ये देखो कितने अच्छे से सिक रही है हमारी जलेबी। ये हमारी जलेबी बढ़िया से तैयार हो रही हैं। अब जो हमारी जलेबी पक चुकी हैं उनको हम इसमें से निकाल लेंगे और चाशनी में डिप कर देंगे। और इन्हें मैं चाशनी में डिप करूंगी। चाशनी से बाहर निकाल लूंगी जलेबी को, मैं और चाशनी में डाल दूंगी जलेबी इधर से। इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी
देखो कितने अच्छे से बनकर तैयार हुई है हमारी जलेबी। इसे भी मैं चाशनी में अच्छे से डिप कर लूंगी। इस प्रकार से मैं इस जलेबी को भी निकाल लूंगी एक प्लेट में। इसी प्रकार से मैं अपनी सारी जलेबी बनाकर तैयार कर लूंगी। ये हमारी जलेबी बनकर तैयार हो चुकी हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।